केवल मात्र 4 महीने के अंदर ही क्यों ऐसी आफत पड़ी कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी ही नहीं, प्रदेश की जनता भी सड़कों के ऊपर त्राही त्राही करके घूम रही है। हिमाचल प्रदेश की विगत चुनावों के अंदर जब दो दलों का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यतः चुनाव लड़ा गया तो कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों और प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। धोखा करके, छल करके और झूठ बोल करके मौजूदा कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई। आप सभी लोग इस बात के साक्षी हैं कि जब चुनाव की बेला चल रही थी तो हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस का नेतृत्व तो है, हिमाचल का ही नहीं जिनके केंद्र से भी बड़े बड़े नेता यहां पर आए, वो 10 गारंटियों की एक बहुत बड़ी बात लेकर के चुनाव में उतरे। आज 4 महीने का समय सरकार का बीत चुका है, लेकिन इन 4 महीनों के अंदर सरकार एक भी गारंटी को पूरा करने में कामयाब नहीं हुई है। ये पूरा करने में कामयाब तब होती अगर मौजूदा सरकार की, कांग्रेस सरकार की, सुक्खू सरकार की नीति और नियत दोनों ठीक होते। ना तो कांग्रेस पार्टी की नेताओं के नियत ठीक है, ना ही इनकी नीति ठीक है। ये दोनों चीजें खोट से बाहरी खाई थी। एक बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने बना दिया कि ओपीएस, इस ओपीएस को लेकर के बहुत बड़ा कुठाराघात हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों के साथ किया है। इन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट प्रदेश के अंदर जहां भी इनके नेता भाषण करते थे एक ही बात कहते थे कि पहली कैबिनेट और पहला पेन, आप सबको याद होगा, पहली कैबिनेट और पहला पेन और पहले पेन से दस्तखत जो हैं वो ओपीएस के ऊपर होंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पर कर्मचारी रहा हूं और मैं इसका पक्षधर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ही नहीं, मैं राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी भारतीय राज्य पेंशन महासंघ का राष्ट्रीय भ्रष्ट उपाध्यक्ष हूं। मैंने दिल्ली के अंदर वित्त मंत्रालय के अंदर 4 बैठकें कर चुका हूं। हमने वहां पर भी प्रपोजल दी कि पूरे भारत वर्ष के अंदर काम करने वाले लोगों को, कर्मचारियों को पेंशन जो है वो दी जाए। उसको लेकर के अभी, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, पूरे भारत वर्ष का मामला है, उसको लेकर के अभी कमेटी जो है वो सेंटर ने कंस्टिट्यूट की है। हम बार बार इस बात को कहते रहे कि ये जो ओपीएस का मुद्दा है ये किसी प्रदेश के बस का नहीं है, ये तब तक हूबहू शक्ल से नहीं उतर सकता है जब तक केंद्र सरकार इसके ऊपर से शटल ना उठाए। लेकिन लोगों को लगा, लोग गुमराह हो गए, लोगों को लगा कि सरकार सत्ता में आएगी, पहली कैबिनेट होगी और उप मुख्यमंत्री जी के तो ये भी शब्द थे कि पहला पेन और पहले हस्ताक्षर उसी के ऊपर किए जाएंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार से कि 4 महीने के अंदर कहां पहली कैबिनेट की बात हुई थी, आज पूरे 4 महीने का समय पूरा होने जा रहा है, अभी तक किसी भी कर्मचारी को वो पेंशन नहीं मिली है। उस पेंशन की बहाली का रास्ता क्या है, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जब पहली कैबिनेट हुई उसमें बड़ा भारी हो हल्ला हुआ कि नोटिफिकेशन जारी हो गई। भाई क्या नोटिफिकेशन जारी हुई, बात खामोशी के आंगन में चली गई। फिर कैबिनेट आई, फिर हो हल्ला हुआ कि अब नए रूल बनाने की बात हो रही है। अब जब
कॉरपोरेशन का चुनाव सिर के ऊपर आया तो आनन फानन में एक एसओपी जारी कर दी। एसओपी का सही माने में अर्थ है एक प्रारूप जारी किया। अभी तक 4 महीने में एक प्रारूप जारी हुआ है कि यह प्रारूप होगा, लेकिन मुझे इस बात का संदेह है। मैं चाहता हूं कि प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन मिले, लेकिन पूर्णतया हूबहू पुरानी की पुरानी शेप के अंदर मिले, जो पुरानी शेप थी, जो पुराना रुतबा था उसको बहाल करके मिले, तब उसको जो है वो ओपीएस जो है वो हम मानेंगे। वो कुछ नहीं हुआ। ये मात्र कॉरपोरेशन के चुनावों में फिर कर्मचारियों को मूर्ख बनाने के लिए। ये ठीक है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी बहुत प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, अपना भला बुरा भी जानते हैं और अब समझने भी लग पड़े हैं कि जो बात पहली कैबिनेट में होनी थी आज 4 महीने में पूरी नहीं हुई है, तो इससे सरकार की मंशा के ऊपर शक जो है वो प्रदेश के कर्मचारियों को भी हो गया। अगर भैया आपका मन बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि ओपीएस देनी है, तो क्या इसको लेकर के अभी जो डिडक्शन बंद की, जो शेयर गवर्नमेंट का जाना था वो बंद कर दिया, इस बात का कोई कहीं पर भी कागजी तौर पर संकेत नहीं है? आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, कागजी तौर पर कहीं भी कोई संकेत नहीं है कि जो लाखों रुपया प्रदेश के 136,000 कर्मचारियों का जो 14% शेयर जाना था वो जो काटा वो जाएगा तो कहां जाएगा? क्योंकि जब इन्हीं की सरकार ने, राजा वीरभद्र सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे जब ये एमओयू हुआ था, तो उसमें भी बहुत सारी क्लॉज जो है वो उसके अंदर लगी है। क्या प्रदेश के कर्मचारियों का जो 8,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा जो है वो उस रोटेटरी फंड में जमा है, अभी तक सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया कि प्रदेश के कर्मचारियों का, लाखों कर्मचारियों का जो 8,000 करोड़ से ज्यादा का फंड है उसको वहां से वापस लाने की क्या योजना है? वो वापस कैसे आएगा? क्योंकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है वो फंड जो है उस फंड से, और हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति की हालत तो आप सबके सामने है। अगर एक छोटा सा छोटा कोई डेवलपमेंट बेस्ड वर्ग की बात भी लोग करते हैं तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अभी तनिक रुकिए, प्रदेश की व्यवस्था ठीक नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा कारपोरेट घराना नहीं है कि अपने खाते से पैसा निकालेंगे और दे देंगे। 8,000 करोड़ से ज्यादा का फंड वहां पड़ा हुआ है, उसको कैसे लाएंगे ये आने वाला भविष्य तय करेगा। और अभी तक किसी भी कर्मचारी से अंडरटेकिंग नहीं ली गई, क्योंकि जब पहली कैबिनेट में नोटिफिकेशन की बात हुई थी तो लॉ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी परिषद सेक्रेटरी ने कहा था कि ये नोटिफिकेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि हर कर्मचारी से व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल एक अंडरटेकिंग ली जानी है। उस अंडरटेकिंग में वो कर्मचारी तय करेगा कि उसको ओपीएस में रहना है या एनपीएस में रहना है। 136,000 टोटल प्रदेश की एनपीएस की ये संख्या है, उसमें से 11,000 लोग ऐसे हैं, ये बहुत जरूरी स्टैटिक्स है जो आपको बता रहा हूं, 11,000 लोग ऐसे हैं जिनकी एलिजिबिलिटी ही पेंशन की नहीं बनती है, क्योंकि जो हमारे कंडक्ट रूल है उनके अंदर ये मेंशन है कि जिसकी नौकरी 10 साल से कम होगी वो पेंशन के लिए पेंशन लेने का हकदार नहीं होगा। लेकिन अगर वो दूसरी तरफ एनपीएस की तरफ जाए तो उस व्यक्ति को भी पेंशन जो है वो मिल रही है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ओपीएस को लेकर के सरकार को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है, क्योंकि अगर इनकी नीयत साफ होती। अब जिस बात को लेकर के ये लोग चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 2 साल से लगातार वहां पर उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कट रहा है, जीपीएफ कट रहा है, लेकिन 2 साल के बाद जब लोगों को उसकी समझ आई तो प्रदेश के प्रबुद्ध कर्मचारी कोर्टों में चले गए।
जिस मॉडल को ये अडॉप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी इलेक्शन होने वाला राजस्थान में और सरकार वहां की भी उत्तरदायी है, वो जवाब नहीं दे पा रहे, ये लोग कोर्टों में चले गए क्योंकि उनका पैसा बर्बाद हो गया। अगर किसी व्यक्ति को ओपीएस में जाना है तो उसको जो रिटायरमेंट के समय पैसे मिले हैं 20 लाख 25 लाख 18 लाख जो भी मिला है वो उसको पहले जमा कराना पड़ता है, पर पेंशन मिलेगी 20 साल के बाद जाकर के। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं क्योंकि सरकार ने झूठ बोलने की परंपरा कायम की है, कांग्रेस पार्टी ने, उसी को लेकर के आगे इनका कुनबा जो है वो आगे बढ़ रहा है। उसके बाद अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल दिवस के ऊपर डीए की घोषणा करी, 3% डीए, 11% डीए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों का ड्यू हो चुका है, 11%, और दिया गया केवल मात्र 3%। ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, वो भी तब दिया, उसकी नोटिफिकेशन में पिछले कल हुई है, क्योंकि कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी की हवा थोड़ी हिल रही है। जब हवा थोड़ी हिल रही है तो इन्होंने कर्मचारियों को भी एक नया शगुफा छोड़ा कि हमने 3% है, इसकी नोटिफिकेशन जो है वो कर दी। उसके बाद पे कमीशन का जो हमारा एरियर पेंडिंग पड़ा है सरकार के पास, 1000 करोड़ रुपए है प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स का, जो अभी तक सरकार नहीं दे पाई। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अभी 2 वर्ष तक इंतजार करें, 2 वर्ष तक, उन्होंने पर्टिकुलर मेंशन किया है कि 2 वर्ष तक इंतजार करें। भाई 2023 आधा हो गया, 2025 में जाकर के देने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2026 में तो नया पे कमीशन भी हिंदुस्तान के अंदर लागू हो जाएगा। नियत नहीं है, अगर नियत होती अब इन्होंने, क्योंकि आज कॉरपोरेशन के क्षेत्र में बैठे हैं, चुनाव यहीं पे चला है, आपकी भी कलम ज्यादातर आजकल इसी बात को लेकर लिख रही है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं और मान्य हिमाचल प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए चैलेंज करता हूं, अगर आपके मन में हिमाचल प्रदेश या शिमला के कर्मचारियों और पेंशनों के प्रति इतना ही लगाव और प्यार होता तो जो आपने घोषणा पत्र जारी किया कॉरपोरेशन के चुनावों के लिए, उस घोषणा पत्र में कहीं पर भी राजधानी भत्ते की बात नहीं की गई। ये बहुत बड़ा मुद्दा है राजधानी भत्ते को लेकर के, प्रदेश के कर्मचारी चाहते हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे घोषणा पत्र में कहीं पर भी कैप्टन अलाउंस की बात नहीं की। उसके बाद हमारे एचआरटीसी के प्रधान गुलाब सिंह जी भी यहां बैठे, इनकी स्थिति यह है कि प्रदेश के बाकी लोगों को पेंशन आ जाती है 1-2 तारीख को, और इनके परिवारों को इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मौजूदा समय में पेंशन जो है मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मिलेगी तो महीने के अंत में मिलेगी। हमने 30 अगस्त को जब हिमाचल प्रदेश के सचिवालय में एक ऐतिहासिक पेंशन की जेसीसी की बैठक करी थी, आप सभी लोग उसमें से आधे से ज्यादा लोग उसमें गवाह बने थे, वो ऐतिहासिक बैठक थी, उसमें एक स्पष्ट निर्णय हमने किया था जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में कि हिमाचल प्रदेश के कॉरपोरेट सेक्टर और कॉरपोरेशन के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको 10 तारीख से पहले पेंशन जो है वो दे होगी। भत्ते फ्रीज पड़े हैं, सरकार मौज कर रही है, हेलीकॉप्टर 2-2 ले लिए हैं, जिन पदों का प्रदेश में कोई भूमिका नहीं है, इतना छोटा सा प्रदेश है, इतना छोटा सा, और उस प्रदेश में भी ऐसे ऐसे पदों का सृजन कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है कि प्रदेश की वित्तीय हालत तो उसी से खराब हो जाए। उनको ड्यू नहीं मिले तब तो भाजपा की सरकार की जी कहां कमी रहेगी, क्योंकि बड़े लगभग 46,000 कर्मचारी से 2016 के बाद जो लोग रिटायर हुए हैं उनके लगभग, आपने ठीक कहा कि 46,000 जो सर्विस बुके हैं वो उस वक्त एजी ऑफिस में पेंडिंग पड़ी हैं। जब मुझे ये दायित्व इस विभाग का दिया गया तो जब ये सारी परिस्थिति को समझा तो मैं खुद एजी ऑफिस में गया था, उनके पास स्टाफ की बहुत बड़ी कमी थी,
उस कमी को कैसे पूरा किया जाए उसके लिए उनसे बात की हमने, आउटसोर्स पे वहां पर स्टाफ जो है वो नया रिक्रूट करवाया, रेनोवेशन का काम था उनका। पर उसमें एक और दिक्कत ये की थी, सीधे तौर पर एजी ऑफिस जो था वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमारी पूरी मदद की और अभी भी हमारी परसों ही कल ही वहां पे हमारी चर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हम जून महीने तक जो 2016 के बाद के रिटायरी लोग हैं उनकी सारी फिक्सेशन और सारा करके हम क्लियर कर देंगे।